हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कमरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोट टेस्टीज पाउडर की, बकरे के कपूरे के चूर्ण की। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जो गोट टेस्टीज का पाउडर है, जो बकरे के कपूरे का पाउडर है, ये सेक्सुअली आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ये एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, लेकिन अगर आप इसको पका कर खाते हैं, अगर आप इसको मटन के साथ, अगर आप इसको बकरे के बाकी अंगों के साथ पका कर खाते हैं, तो फिर ये अपने सारे फायदे आपके शरीर के अंदर ग्रहण नहीं करवा पाता। जिन लोगों के अंदर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी जिंक की वजह से हो, ये उनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। जो लड़के ज्यादातर जिम जाते हैं, वो भी गोट टेस्टीज पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बूस्टेड रहें और उनके मसल्स बहुत जल्द बन सकें। जिन लोगों के अंदर विटामिन B12 की कमी हो और इस वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, इस वजह से उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, उन लोगों को भी ये बहुत फायदा प्रदान करेगा। जिन लोगों के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो और इस वजह से उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मैग्नीशियम जो आपकी नसें हैं वो सही से काम करें, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। विटामिन B12 भी आपकी नसों के सही से फंक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये दोनों ही चीजें आपके शरीर को सप्लाई करता है, विटामिन B12 और मैग्नीशियम, जिससे आपको बहुत बढ़िया इरेक्शन आती है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बूस्ट करता है, क्योंकि ये जिंक का एक बहुत अच्छा स्रोत है। आप इसका पाउडर घर पर नहीं बनाएं, आपको ये दिक्कत करेगा। आपको बाजार से इसका बना बनाया पाउडर मिल जाएगा, जो एडिबल होता है, जो आपके खाने योग्य होता है, जो कच्चे कपूरे का पाउडर होता है, उसी का सेवन करें। घर पर ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करें, उससे आप बीमार होंगे, उससे आपको दिक्कत होगी। तो आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकॉन तो जरूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।